पुलिस की अवैध वसूली का विरोध करने वाले चालकों को न केवल रात थाने में या रोड पर ही सोकर बितानी पड़ती है, बल्कि इनके वाहनों के टायर धारदार पेंचकस या किसी अन्य चीज से पंचर कर तक दिए जाते हैं ताकि वे भाग ना सके। क्या कहना है इन ट्रांसपोर्टरों और डंपर चालकों का, आप खुद ही सुनिए इन्हीं की जुबानी। थाने के बाहर रात से परेशान खड़े इन ट्रांसपोर्टर और डंपर चालकों की माने तो रात करीब 3 बजे इनके अंडरलोड डंपरों को पुलिस ने रोककर चेक किया और इनके द्वारा अंडरलोड वजन की रसीद दिखाने के बावजूद पुलिस ने इनके डंपरों को इनबाउंड कर दिया। जिन डंपर चालकों से इन्होंने विरोध किया तो उन पर डंडे चलाए गए। इतना ही नहीं, इनके वाहनों के टायर तक पंचर कर दिए गए। जब इनकी दरोगा जी ने एक नहीं सुनी तो ये साउथ रेंज के IG साहब के पास पहुंचे, जहां इन्हें आश्वासन मिला कि आप थाने में अपने वाहनों के वजन की रसीद दिखाकर वाहन ले जा सकते हो। लेकिन दरोगा जी ने अपने अधिकारी के आदेशों को भी ताक पर रखकर इनके वाहन देर रात तक नहीं छोड़े। इनका आरोप है कि जो ओवरलोड वाहन चालक पुलिस की जेब गर्म कर देता है तो वह वहां से चला जाता है, लेकिन जो अंडरलोड होने के बाद विरोध करते हैं उन्हें रात भर इसी प्रकार परेशान किया जाता है, लेकिन यहां इनके सुनने वाला कोई नहीं है। अब दरोगा जी की माने तो उन्होंने पुलिस पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया और उल्टा इन चालकों पर ही आरोप लगाए कि रात को जब इन्हें चेकिंग के लिए रोका जाता है तो यह बैरिटिक्स तोड़कर भाग जाते हैं। पुलिस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ में इन्होंने आश्वासन जरूर दिया कि यदि चेकिंग के दौरान किसी वाहन का टायर पंचर किया गया है तो यह गलत है, इसकी जांच की जाएगी। वाहन चालकों द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी आला अधिकारियों को निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, वरना रेवाड़ी पुलिस पर सवालिया निशान लगाना स्वाभाविक है। रेवाड़ी से RTV न्यूज़ के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट। आई जी साहब को काटा पर्ची दिखाई गई। आई जी साहब बोले आप थाने जाओ और आपको ये काटा पर्ची दिखा के ना और काटा करा गाड़ी छोड़ दी जाएगी आपकी, जाओ आपकी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ और अमित जी से मिलता हूँ, अमित होलदार है अंदर करके, मैं उससे बोला जनाब ऐसा ऐसे गाड़ी खड़ी है, इनका काटा कराओ और इन गाड़ियों को छोड़ो। वो बोले आज ज्यादा दादागिरी में बात दे रखे है क्या, चल बाहर, चल बाहर जाके बैठ। मतलब उल्टा पुलिस धमका रही है आप लोगों को। हमें धमका के ना वहाँ से बाहर निकाल दिया उन्होंने। फिर हम उन्होंने SHO से बात की, SHO बोला मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, इनको बाहर बैठा के रखो। इतने 4 बजे चाबी देंगे, 4 बजे चाबी देंगे गाड़ियों की। IG साहब, क्या नाम आपका? हजारीलाल। हजारीलाल कहाँ से आए हैं आप और क्या पूरा मामला? कोटपुतली से गाड़ी भर के ले आ रहे हैं, रोड भर टेस्ट भर रखी है, हमारी गाड़ी बिल्कुल अंडरलोड है और रात को इन्होंने जबरदस्ती गाड़ी निकाली और लठ मार रहे थे। अच्छा। हमने बोला बाबू जी हमारी गाड़ी अंडरलोड है, आप कांटा पर्ची देख लो, कांटा करवा लो। बोलो वो दादागिरी लगाने की जरूरत नहीं, अंदर करो, हम आपकी बॉडी कटवाएंगे, ये बोल रहे थे। क्या कारण है कि पुलिस बार बार इस तरीके का रवैया अपनाती है आप लोगों के साथ? ये ओवरलोड के चक्कर में कर रहे हैं, हमारी गाड़ी 4 महीने से अंडरलोड चल रही है, बिल्कुल अंडरलोड, और फिर उसके बावजूद ये गाड़ी बंद, बावजूद गाड़ी निकाल रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। सुरेंद्र, क्या मुश्किल आ रही है आपको हाईवे के ऊपर गाड़ियाँ चलाते समय और क्यों लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे साथ? सर हम ईमानदारी से चलते हैं, जब भी नहीं चलने देते, पैसे दो तो निकाल देंगे, नहीं तो नहीं निकालने देंगे। हमारी 2 गाड़ी आ रही थी, आ गई 40-71 थी, पीछे 90-71। 15 दिन पहले तो उसको बंद कर दी थी, पैसे मांग रही, पीछे हमें आ रहा था, मन की बाबू जी कांटा करा लो, कुछ भी कर लो, बॉडिया की भी हमने ऐसे बोल दी थी, आज छोड़ दो फिर कटवा देंगे, जब भी नहीं मानी, नहीं बॉडी कट के ही जाएगी यहाँ से। क्या कहना चाहोगे ओवरलोड के बारे में, ये जो सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर? जैसा कि मैं इस टाइम कसौला थाने पुलिस थाने के सामने खड़ा हूँ, यहाँ पे मीडिया वाले आए हैं, पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है, उसके बावजूद भी ओवरलोड गाड़ियाँ रोड से निकल रही हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जो अंडरलोड गाड़ियाँ चलती हैं उनको परेशान किया जा रहा है। धन्यवाद सर। थाने में कुछ ट्रांसपोर्टर्स आए हुए हैं, उनका आरोप है कि रात को 3 बजे उनकी गाड़ियाँ बंद की गई जबकि वो अंडरलोड थी, ओवरलोड नहीं। सर ऐसा है, रेगुलरली हम यहाँ पे है ना बड़ीपुर चौक पे नाका लगाते रहते हैं ओवरलोड होने के, ऊपर से भी आदेश है कि ओवरलोड गाड़ी को बंद किया जाए, इससे एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है, रोड का नुकसान होता है। रेगुलरली हम चेक करते हैं, जो गाड़ी ओवरलोड होती है उसको प्रॉपरली पकड़ के और उनका चालान करते हैं, अदरवाइज और कोई कार्रवाई होती है वो करते हैं। इसके अलावा कल की कोई इंसिडेंट है, कल रात को नाके पे थे तो जनरली हो जाता है, गाड़ियों को रुकवाने की कोशिश करते हैं, रोकते नहीं, बैरीगेट को भी फेंक देते हैं ड्राइवर, तो बड़ी मुश्किल से उनको रोक के काबू किया जाता है, इस तरह का इंसिडेंट है।